मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तीसरी बार, उनको बहुत बधाई। लेकिन हमारे लिए अभी सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि देश भर में जो नीट में धांधली हुई है और स्टूडेंट के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, और लगातार चाहे पहला कार्यकाल हो, दूसरा कार्यकाल हो या तीसरा कार्यकाल हो, इस देश में नौजवानों का भविष्य खतरे में है, अंधकार में है। तो मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी इन चीजों पर जल्द से जल्द जो है त्वरित कार्रवाई करेंगे। 30 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली हैं, उनको भरने का काम करेंगे। और बार बार जो पेपर लीक हो रहा है, प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, इस पर कोई ठोस कानून बनाया जाएगा। और बड़े पैमाने पे देश में जो बेरोजगारी है सबसे ज्यादा, उस पर जो है कोई नई नीति लाई जाएगी, लोगों को रोजगार दिया जाएगा। और अभी जो तुरंत का मामला है, आपने देखा होगा नीट एग्जाम के रिजल्ट के बाद कई स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की है, एक घंटे में 2 से ज्यादा नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये एक युवा देश के लिए, भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, सबसे चिंता की बात है। प्रधानमंत्री जी तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उनको बधाई। लेकिन वो युवाओं और विद्यार्थियों के सपनों को जो आज तोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई की हम उम्मीद करते हैं। है राहुल गांधी को लेके कि पांचवा टर्म है उनका, वरिष्ठ हैं, फ्रंट से आके अटैक करते हैं, इंटेलिजेंटली अटैक करते हैं, और सबसे बड़ी बात निर्भीकता और निडरता से करते हैं। तो इस समय संसदीय दल का नेता लोकसभा में उनको होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए, खासतौर से मैं कहना चाहता हूं कि लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ हाउस को ये मौका होता है कि सदन में कभी भी किसी भी समय खड़े करके वो ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, स्पीकर का या चेयरमैन का। तो अब राहुल गांधी जी को मिले टाइम में नहीं बात करना है, बल्कि जहां भी लगे कि सरकार कमजोर है, वहां हिट करने के लिए आवश्यक है नेता संसदीय दल बने।